ऑटोमोबाइल्स में मैं विनीत शर्मा एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि कंफ्यूज हैं अबाउट विटारा, ब्रेजा और टाटा नेक्सॉन। इस वीडियो के अंदर मैं 15 ऐसे कारण आपके सामने लिस्ट करूंगा जो कि टाटा नेक्सॉन को विटारा ब्रेजा के ऊपर बनाती है, ऊपर ले जाती है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी खूबियां नेक्सॉन में ही है। विटारा ब्रेजा भी एक अच्छी गाड़ी है और उसमें काफी सारे अच्छे फीचर्स हैं, लेकिन ये वीडियो फोकस रहेगा इन 15 पॉइंट्स के ऊपर जो कि टाटा नेक्सॉन में बेटर है इन कंपैरिजन टू विटारा ब्रेजा। पहला डिफरेंस रहा कि टाटा नेक्सॉन आती है पेट्रोल और डीजल दोनों के अंदर, जबकि विटारा ब्रेजा सिर्फ डीजल के अंदर आ रही है। नेक्स्ट, इनकी पार की बात करते हैं। पार टाटा नेक्सॉन में ज्यादा है 110 पीएस की और विटारा ब्रेजा में 90 पीएस की पावर आपको मिल जाती है। अगर बात करते हैं टॉर्क की, तो अगेन टाटा नेक्सॉन को एडवांटेज रहेगा क्योंकि टाटा नेक्सॉन की टॉर्क 260 Nm है जो कि 200 Nm जो कि विटारा ब्रेजा की टॉर्क है उससे ज्यादा है। अगर इंजन को हम समझना चाहें तो समझना बिल्कुल आसान है। टाटा नेक्सॉन दो नए इंजन लेके आया है, रेवोट्रॉन पेट्रोल में और रेवोटॉक डीजल के अंदर, जबकि जो मारुति का इंजन है वो एक हिट इंजन है, इसलिए उसको बार बार यूज करे जाता है। लेकिन जो लोग बोर हो चुके हैं मारुति से स्विफ्ट चला के, डिजायर चला के, उनको इस इंजन को चलाने में मजा नहीं आएगा क्योंकि इंजन अंदर से वही है, इसको थोड़ा फाइन ट्यून किया गया है टू गिव मोर पावर। तो वही पुराना इंजन है मारुति का जिसका विश्वास आपको मारुति के साथ मिल जाता है, लेकिन अगर बोर हो चुके हो तो नए को अपनाने का वक्त आ गया है। देखिए, मूविंग फॉरवर्ड हम सिर्फ डीजल वेरिएंट की बात करने वाले हैं क्योंकि जैसा कि मैंने कहा विटारा ब्रेजा के अंदर आपको पेट्रोल वेरिएंट नहीं मिलता। तो बात करते हैं पहले ट्रांसमिशन के बारे में। 6 स्पीड का ट्रांसमिशन AMT वर्जन और मैनुअल वर्जन दोनों में आपको टाटा नेक्सॉन के साथ मिल जाता है, लेकिन विटारा ब्रेजा में 5 स्पीड का ट्रांसमिशन मिलता है मैनुअल और AMT दोनों के अंदर। तो जिन लोगों को ज़्यादा रिफाइनमेंट पसंद है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड गियर चेंजेस, उन लोगों को टाटा नेक्सॉन ज़्यादा पसंद आने वाली है। इनके ग्राउंड क्लियरेंस में भी काफ़ी डिफरेंस है। टाटा नेक्सॉन का ग्राउंड क्लियरेंस अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा है 209 mm का और विटारा ब्रेजा का 198 mm के साथ इससे थोड़ा कम रह जाता है। इनकी टर्निंग रेडियस में भी थोड़ा डिफरेंस रहेगा, 5.1 टाटा नेक्सॉन की है और 5.2 विटारा ब्रेजा की है। अब बात करते हैं इनके बूट स्पेस की। बूट स्पेस में काफ़ी अच्छा है टाटा नेक्सॉन क्योंकि 350 लीटर का बूट स्पेस दे रहा है जो कि आपको विटारा ब्रेजा में सिर्फ 328 लीटर्स का ही मिलता है। एक बड़े बूट के साथ साथ आपको शोल्डर कंफर्ट, शोल्डर रूम भी थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है टाटा नेक्सॉन के अंदर क्योंकि 1811 mm की जो इसकी विड्थ है गाड़ी की वो इसको क्लास लीडिंग बनाती है इन टर्म्स ऑफ विड्थ, जो कि विटारा ब्रेजा से काफी ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट मैं बात करूंगा डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स के बारे में। स्पोर्ट्स, इको, सिटी, इन तीन मोड्स के साथ टाटा नेक्सॉन चलाने में आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि बेस्ड अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप ज्यादा माइलेज के लिए इको मोड चला सकते हैं, ज्यादा पार के लिए स्पोर्ट्स मोड चला सकते हैं, और अगर आप दोनों के बीच का कुछ चाहते हैं तो आप सिटी मोड में गाड़ी चला सकते हैं। ऐसा करने से आपको एक ही इंजन से अलग अलग परफॉर्मेंसेस मिल जाती है, ऐसा विटारा ब्रेजा के अंदर नहीं है। नेक्स्ट इज अबाउट द इंफोटेनमेंट सिस्टम। टाटा नेक्सॉन के अंदर आपको हर्बन गार्डन का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो कि डेस्कटॉप पे फ्लोट करता हुआ रहेगा, फ्लोटिंग डेस्कटॉप डिजाइन के साथ है। आप अगर विटारा ब्रेजा का इंफोटेनमेंट देखोगे वो भी टच स्क्रीन ही आता है, इनफैक्ट थोड़ा सा बड़ा आता है नेक्सॉन से, लेकिन वो आपको सेम पुराने पैटर्न में आपके डैशबोर्ड के अंदर फिटेड मिलता है और वो हर्मन की वॉइस क्वालिटी नहीं दे पाता। साथ ही में टाटा नेक्सॉन के अंदर आपको 8 स्पीकर्स मिलते हैं, 4 स्पीकर्स एंड 4 ट्वीटर, लेकिन आपको विटारा ब्रेजा के अंदर सिर्फ 6 स्पीकर ही मिल पाते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज जो कि नेक्सॉन में है ब्रेजा में नहीं, वो है वॉइस अलर्ट्स का। आजकल काफी सारी ऐसी कार्स आ रही है जो कि अलग अलग अलर्ट आपको देती है, जैसे कि यार सीट बेल्ट नहीं लगाया तो एक बजर शुरू हो जाएगा जो कि कहेगा कि यार सीट बेल्ट लगा लो, लेकिन ये वॉइस के फॉर्म में बहुत कम गाड़ियां दे रही है और टाटा नेक्सॉन जितने ज्यादा कमांड्स वॉइस अलर्ट के फॉर्म में बहुत ही कम कार्स दे रही है क्योंकि ये अलग अलग तरह के कमांड्स, जैसे कि आपका हैंड ब्रेक लगा रह गया, आपका सीट बेल्ट आपने नहीं लगाया, आपका कोई बूट खुला रह गया, कोई साइड का पीछे का दरवाजा खुला रह गया, आपका सर्विस का टाइम आ चुका है, तो
हर तरह के अलर्ट को ये गाड़ी बोल के बताया थी। करीब 16 अलर्ट्स आपको वॉइस अलर्ट के फॉर्म में टाटा नेक्सॉन देती है, जो कि विटारा ब्रेज़ा नहीं देती। टाटा नेक्सॉन के अंदर आपको रियर एयर वेंट्स भी मिल जाते हैं, ये एसी वेंट्स नहीं है, लेकिन एयर वेंट्स आपको मिल जाते हैं पीछे के सीट के कंफर्ट के लिए, ये भी विटारा ब्रेज़ा आपको प्रोवाइड नहीं कर रही है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा इसके इंटरनल डिजाइन के बारे में और यूटिलिटी स्पेसेस के बारे में। टाटा ने बहुत ध्यान दिया है कि सामान रखने के लिए, यात्रियों की सहूलियत के लिए इस गाड़ी में पर्याप्त जगह हो। एक बीच में ग्रैंड सेंटर कंसोल बना हुआ है जिसमें बहुत सारी जगह है जहां आप सामान रख सकते हैं। ये कंसोल देखते ही आपको JLR का जो डिस्कवरी स्पोर्ट मॉडल आता है उसकी याद आपको आ जाती है कि 50-60 लाख में जो गाड़ी आ रही है वैसा ही डिजाइन उन्होंने यहाँ पे भी यूज करने की कोशिश करी है। इसमें जो टेम्बो डोर है वो काफी अच्छा अट्रैक्टिव है, आप सामान उसमें रख सकते हैं। अगर गौर से देखा जाए तो छोटी छोटी चीजें, जैसे कि अगर आप ग्लव बॉक्स भी खोलते हैं तो उसके अंदर एक ट्रेनुमा चीज बाहर आती है, आप उसमें कप रख सकते हो, पेन रख सकते हो, अलग अलग सामान रख सकते हो। एक ट्रे के फॉर्म में आपका कूल्ड ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है। नेक्स्ट सुपर फीचर इज स्मार्ट वियरेबल की। टाटा नेक्सॉन के साथ आपको एक स्मार्ट वियरेबल की मिलती है जो कि विटारा ब्रेज़ा के साथ नहीं मिलती है। ये एक जबरदस्त चीज है क्योंकि अगर आपके कलाई पे ये स्मार्ट वियरेबल की आ जाती है तो आपको गाड़ी की चाबी की जरूरत नहीं है। आप सुबह मॉर्निंग वॉक करने गए और आपके हाथ पे कलाई पे अगर ये बंधी हुई है, आपको सिंपली गाड़ी के पास जाना है, गाड़ी के आपको हैंडल को जैसे आप प्रेस करके खोलते हैं गाड़ी अपने आप खुल जाएगी, कुछ अनलॉक बटन दबाने की जरूरत नहीं है। गाड़ी के अंदर बैठे और आपने पुश बटन को प्रेस किया, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, तो एक की पूरी तरह से गाड़ी को मॉनिटर करेगी, गाड़ी के साथ अपने आप सिंक में रहेगी, आपको एक भारी भरकम की कैरी करने की जरूरत नहीं है। है ना स्टाइलिश फीचर। तो ये गाड़ी का जो फीचर है, जो स्मार्ट वेरिएबल की है, ये सिर्फ SSG जो ट्रांसमिशन आ रहा है टाटा नेक्सॉन का उसी के साथ अभी टाटा मोटर्स दे रहा है, बाकी वेरिएंट के साथ नहीं दे रहा। मे बी इन फ्यूचर बाकी वेरिएंट्स में भी आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे वो 15 फीचर जो कि टाटा नेक्सॉन के अंदर है और विटारा ब्रेज़ा के अंदर मिसिंग है। टाटा नेक्सॉन और विटारा ब्रेज़ा दोनों ही अच्छी गाड़ियां हैं, बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज विटारा ब्रेज़ा के अंदर भी है, लेकिन ये वीडियो फोकस रहा है उन 15 चीजों के ऊपर जो कि टाटा नेक्सॉन ही ऑफर कर रही है, विटारा ब्रेज़ा नहीं कर रही है। आई होप ये वीडियो आपको आपका डिसीजन लेने के लिए, आपका बाइंग डिसीजन लेने के लिए यूजफुल साबित होगा। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, कमेंट करके अपना फीडबैक शेयर करते रहिए। टेक केयर एंड जय हिंद।